दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th 1952 को जो स्थिति है नगर निगम क्षेत्र में वो बरसात ऋतु को देखते हुए अभी जैसे बरसात चालू होने के बाद जो शहर के अंदरूनी हिस्से हैं जहाँ जर्जर भवनों की थोड़ी ज़्यादा बेहतात रहती है नगर निगम के द्वारा गत वर्ष ये करीब हमारे पास 200 चिन्हित थे जर्जर भवन। फिर पिछले वर्ष हमने आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार इनको पूर्ण जांच कराई गई तो ज़्यादातर तो कोई आपसी किराएदारी और मकान मालिक के झगड़े या पारिवारिक झगड़ों में थे और ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वो बिल्कुल जर्जर की उसमें आ रहे थे। उसको सब छटनी करने के बाद हमने करीब 38 हमारे ऐसे भवन हैं जो जिसको हमने जर्जर भवन की श्रेणी में रखा है और 38 चयनित किए हमने भवन और हमने जारी कर दिया है परसों यू नोट करके जो हमारे इनके प्रभारी IN है उनको कि 3 दिवस में इन 38 भवनों का हमें जांच करके रिपोर्ट करें कि क्या वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, क्या उसमें कोई रह रहे हैं या बिल्कुल खाली और खंडर पड़ा है। अगर उसमें रह रहा है मकान मालिक रह रहा है अगर वो रिपेयरिंग हो सकता है तो हम नोटिस देके उनको रिपेयरिंग करने का कहेंगे, नहीं है और बिल्कुल खाली पड़ा है ऐसी स्थिति में कि उसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती तो हम उसको खतरनाक भवन का जो बोर्ड लगता है उसको बोर्ड लगाएंगे और बोर्ड लगाने के बाद में उसकी बैरिकेडिंग करके रोकेंगे लोग ताकि कहीं किसी लोगों के ऊपर गिर के जाना ना हो और फिर नगर निगम इस तरह से उनको तुड़वा करके और मकान मालिकों से पैसा वसूला जाएगा।